अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलकश निगार आपको अपने चैनल दिलकश ब्यूटी में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे। खूबसूरत बाल हुसन को चार चांद लगा देते हैं, इसीलिए आज मैं आपको बेरौनक और खुरदरे बाल, चमकदार और इंतहाई नरमो मुलायम बनाने की एक जबरदस्त होम रेमेडी के बारे में बताऊंगी। इस होम रेमेडी की बदौलत आपके खराब बाल बहुत प्यारे हो जाएंगे, आजमाई शर्त है। इससे पहले कि मैं आपको इस अमेजिंग हेल्दी हेयर होम रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। और इस हेल्दी हेयर होम रेमेडी के अज्जा में शामिल है, आपने लेना है सरसों का तेल, आपने लेना है कैस्टर ऑयल, आपने लेना है कच्ची घानी का तेल और आपने लेना है एक अदद अंडा। इस हेल्दी हेयर होम रेमेडी को बनाने का तरीका यह है कि आप शीशे या प्लास्टिक की एक साफ प्याली ले लें और उसमें एक पूरा अंडा तोड़कर डाल दें। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी अंडा इसमें डालकर रखा हुआ है। अंडा बालों को इजाफी गजाइत मुहैया करके उनकी बेहतरीन नशोनुमा करता है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कैस्टर ऑयल। ये मैंने खालिस कैस्टर ऑयल लिया हुआ है एक हकीम की दुकान से। आपने तकरीबन एक छोटा चम्मच कैस्टर ऑयल का प्याली में डालना है। कैस्टर ऑयल के इस्तेमाल से बाल लंबे और घने होते हैं। ये बहुत ही अच्छा नेचुरल इंग्रेडिएंट है बालों की नशोनुमा के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। आपने सरसों के तेल का तकरीबन एक चम्मच प्याली में डालना है। सरसों का तेल बेरौनक और खुरदरे बालों को चमकदार, सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। और अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कच्ची घानी का तेल। आपने कच्ची घानी के तेल का भी एक चम्मच प्याली में डालना है। कच्ची घानी का तेल आपको किसी भी ऑयल शॉप से इजीली मिल जाएगा। कच्ची घानी का तेल बालों को घने, मजबूत और लंबे बनाता है। और अब चम्मच की मदद से ये तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये देखें, मैंने चम्मच से ये तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर दिए हैं और हमारी अमेजिंग हेल्दी हेयर होम रेमेडी अब तैयार है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि जब भी आपने नहाना हो तो ये तेल इसी तरह बनाकर अपने बालों की जड़ों में लगाएं, अच्छी तरह मसाज भी करें और इसके बाद एक से दो घंटे तक ये अपने बालों में लगा रहने दें। इसके बाद अपना सर किसी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लें। आपने हफ्ते में एक बार ये रेमेडी जरूर यूज करनी है। आपके बाल इंतहाई चमकदार, खूबसूरत और नरम मुलायम हो जाएंगे। बाल तेजी से लंबे भी होंगे। ये होम रेमेडी मर्द और खवातीन, लड़के और लड़कियां सभी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बालों की खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स, जानने वालों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।